खुश है, इतना ज्यादा खुश है कि मैं क्या बताऊं। लग रहा कि मैं भी चली जाऊं, बट संभव नहीं है क्योंकि मोदी जी मना किए हैं। छोड़ा राम जी आइए ना, आज भगवान जी आइए। उपलक्ष में ये समर्पित उनके गीत रखे हैं। आप देख रहे हैं SSRTU, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं जल्ला महावीर मंदिर पटना सिटी का। 22 जनवरी का अयोध्या में जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन यहाँ खास करके पटना सिटी में अगर आप देखिएगा तो काफ़ी उत्साहित माहौल है। भक्त लोग कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं, भले ही नहीं जा पाए लेकिन अपने घरों पर दीपों से जगमग होने वाली है। वैसे दीपावली जो होता है वो कार्तिक महीने के आसपास होता है, लेकिन एक और दीपावली है वो है 22 जनवरी को। हम इसी जल्ला महावीर मंदिर में आए हैं, राम दरबार है यहाँ पे, है खूबसूरत सा है, लेकिन आज भी एक आस्था का एक महत्व है। यहाँ तमाम जो भी श्रद्धालु आ रही हैं सबके नारों और सबके आवाज़ एक ही है कि जय श्री राम। हम तमाम कुछ श्रद्धालुओं से भी मैं बात करूँगा कि 22 जनवरी को अपने अपने घरों पर क्या करने वाली है या क्या करने वाले हैं, बने रहिएगा। इस बीच जब देखिएगा तो उत्साह में चार चांद लगाने के लिए एक यहाँ पर गीतों का यहाँ पर विमोचन किया गया है। पंडित बालाजी के नेतृत्व में यहाँ पर पटना सिटी के गायक है, वो अपना कुछ गीत जो कि अयोध्या पर समर्पित गीत है, श्री राम प्रभु के लिए गीत गाए हैं और उनका गीत मार्केट में आने वाले हैं। चलिए हम तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाते हैं, क्यों गीत गाए हैं, किस लिए, किन पर गीत है, ये तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाएंगे। चलिए मेरे साथ। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, क्या उत्साहित है? बहुत ज्यादा खुश है, इतना ज्यादा खुश है कि मैं क्या बताऊं। लग रहा कि मैं भी चली जाऊं, बट संभव नहीं है क्योंकि मोदी जी मना किए हैं, तो मैं बाद में जाऊंगी अप्रैल में उनसे दर्शन करने के लिए। बहुत खुश हूँ, इतना ज्यादा कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। क्या कहना चाहिए? मोदी जी मना किए हैं नहीं तो हम लोग चले जाते हैं। प्रभु मेरे सिया राम जी आ रहे हैं तो हर देशवासी का मन है जाने का, हम लोग का बहुत मन है। घर में डेली यही बातें होता है कि मेरे राम जी आएंगे, हमको ये करना है, वो करना है, दीप जलाना है, पूजा करना है, कीर्तन भजन करना है। उस दिन अपने घरों पे क्या करेंगे? दीप जलाएंगे, कीर्तन भजन करेंगे, दिवाली मनाएंगे, राम का पूत होगा, मालला का होगा। सबसे बड़ा बात है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि उनके समय में कितना बरस से बंद पड़ा हुआ जो हम लोग का दर्शन होगा, और हम लोग के समय उनका इंतजार था ये दिन के लिए। जो मनाएंगे, दीप जलाएंगे, राम भजन करेंगे और सुबह शाम भजन ही, मतलब 24 घंटा में 12 घंटा तो राम भजन ही सुनते रहते हैं। बहुत खुश है, राम भजन सुन के बहुत खुश है। राम जी आ रहे तो राम आएंगे के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे, दीप जलाएंगे। बहुत बहुत खुशी है। सेवरे कर है रे सगुनमा, आज मोरा राम जी आइए ना। सेवरी कर है रे सगुनमा, आज मोरा राम जी आइए ना। राम जी आइए ना, मोरा भगवान जी आइए ना। सेवरी कर है रे सगुनमा, आज मोरा राम जी आइए ना। लामी लामी केसिया सेवरी बटिया बहार, आज मोरा राम जी आइए ना। आज भगवान जी आइए ना।
सेवरी कर रे सगुनामा आज मोरा रामा जी सुशीला कर रे सगुनामा आज मोरा रामा जी आइए ना राज हुआ। गीत गाने का क्या मकसद है? गीत गाने का मकसद यह हुआ कि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में ये समर्पित। राम 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 बसते हैं दिल में, राम नाम होता है होठों पर, चलो चलो अयोध्या की नगरी। इसके लिए बड़ी गौरव की बात है कि मोनित राज जैसे सिंगर पैदा हो रहे हैं और इनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आगे बढ़े, नाम रोशन करें, अपना समाज का देश का सुखी रहिए। जय। क्या कहें बाबा जी आज? ये सर ये अभी राम जी को राम जन्मभूमि को कार्यक्रम को पूरा कर देखने के लिए आया हुआ है, ये जल्ला मंदिर पर आया हुआ है। ये मंदिर भी इनको सहयोग करके हम लोग पूरा इनको व्यवस्था दे दिया है, मंदिर में आके उनको कार्यक्रम पूरी करके मंदिर राम जन्मभूमि के लिए प्रचार कर रहा है। इस जल्ला महावीर मंदिर पटना सिटी में आप जहाँ भी देखिएगा तो वहाँ पर दीपों से सजाया जाएगा। तमाम श्रद्धालुओं का एक अटूट संबंध रहा है जल्ला महावीर मंदिर पटना सिटी का। यहाँ जब देखिएगा तो दृश्य काफ़ी उत्साहित माहौल में लोग हैं, दर्शनार्थियों लोग की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। निहित और तमाम लोगों को जानकारी देना तो तैयार हो जाइए और वो 22 जनवरी का एक आगाज़ एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।